जय हिंद दोस्तों, मैं शिव प्रकाश यादव आपका अपने YouTube चैनल विज्ञान पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में भूगोल को संक्षेप में समझने वाले हैं कि भूगोल में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और भूगोल का अर्थ क्या है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हम भूगोल का अर्थ क्या है इसको समझने वाले हैं। दोस्तों भूगोल का अर्थ, जैसा कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। हिंदी में भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है गोलाकार स्वरूप। अंग्रेजी में इसे ज्योग्राफी कहते हैं, जो दो यूनानी शब्दों जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ज्योग्राफी जिसका अर्थ है वर्णन करना से मिलकर बना है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे वह भूगोल है। भूगोल का अर्थ समझने के पश्चात इसकी परिभाषा पर विचार करना आवश्यक है। दोस्तों कई भूगोलविदों का अपने अपने मत के अनुसार भूगोल को परिभाषित किया गया है। दोस्तों सबसे पहले रिटर के अनुसार हम समझते हैं कि उनका मत क्या है, वो कैसे भूगोल को परिभाषित किए हैं। तो दोस्तों रिटर का कहना है कि भूगोल में पृथ्वी के तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। और टामली के अनुसार भूगोल का परिभाषा है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। दोस्तों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो भूगोल का परिभाषा है वह इस प्रकार है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृतियों, राजनीतिक खंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का विशद वर्णन करता है। दोस्तों अंतिम बुलरिज तथा ईस्ट के अनुसार जो भूगोल की परिभाषा है वह इस प्रकार है कि भूगोल में भू क्षेत्र तथा मानव का अध्ययन होता है। भूगोल का विषय क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है, जहां स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जय मंडल का परस्पर अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे ब्रह्मांड को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर मंडल जिसमें सूर्य चंद्र आदि भी सम्मिलित हैं का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। ब्रह्मांड का व्यास लगभग 108 प्रकाश वर्ष है। दोस्तों अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या होती है? दोस्तों तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी भाषा में मंदाकिनी को गैलेक्सी कहा जाता है। दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट हम और समझ लेते हैं। दोस्तों हमारी पृथ्वी की अपनी एक अलग मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या काशगंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवनीतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो आपको और विस्तृत जानकारी देने के लिए हम जरूर प्रदान करेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।